हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी का एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है वाटर। वाटर यानी पानी। पानी से आपको याद आता है जो हम पीते हैं, या जिससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या दरिया में देखते हैं। ये सब जब हम पानी के बारे में सुनते हैं तो तब हमें ख्याल आते हैं इन सब चीज़ों के। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, मतलब जो ज़मीन है हमारी उसके ऊपर पानी कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे मिलता है। ओशंस एंड इट्स मूवमेंट्स, ओशंस और उसके जो हरकतें हैं वो कैसे चलता है, उसमें पानी कैसे चलता रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो किस वजह से होता है ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है वो इंट्रोडक्शन। तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड लाइफ ऑन अर्थ इज़न्ट पॉसिबल विदाउट इट। जो पानी है, जैसे आपको पता है कि जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी इसके बिना अधूरी है। और इसके बिना क्या है, ज़मीन पे लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। आपको अगर कभी एक दिन पानी ना मिले तो आप प्यास के कारण या प्यास की वजह से मर सकते हो, ठीक है। वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबोव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो वाटर साइकिल है, आपने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है, कि जिसमें पानी की मूवमेंट होती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहता है, ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, हवा में, ये सब प्रोसेस चलता रहता है कि साइकिल। इस जो आपने साइंस में, अपने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर ऑन द ग्राउंड इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन एंड रिजल्टिंग द वाटर वेपर मूव्स अप। तो क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा था कि जो वाटर वेपर, जो वाटर है, जो ज़मीन पर जो पानी है, वो क्या, गर्मी से भाप बन के उड़ने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। व्हेन इट इज सफिशिएंटली हाई अप इट कूल्स एंड कंडेंस इनटू क्लाउड्स। तो जब ये काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है तो वहाँ पे क्या, ये ठंडा हो जाता है और वहाँ पे बादल बनने शुरू हो जाते हैं, जो आपने वाटर साइकिल में देखा होगा। क्लाउड्स देन प्रेसिपिटेट इनटू रेन, स्नो, स्लीट एक्स्ट्रा एंड कम डाउन टू द अर्थ। जो फिर क्या होता है, बादल जो होते हैं वो बारिश बन के बरसते हैं, या बर्फ़ बन के गिरती है, या स्लीट। स्लीट आपको पता ही होगा, स्लीट मतलब जहाँ पे बारिश के साथ बर्फ़ गिरे एक साथ जब हो रही होगी, तो उसको स्लीट बोलते हैं। तो जब वो ज़मीन पे आते हैं तो वो पानी पानी बन जाता है। दिस कॉन्टिन्यूअल मूवमेंट ऑफ द सेम वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो ये जो कंटिन्यूस लगातार ये चल रहा है कि ज़मीन पे पानी आया, गर्मी से भाप बन के हवा में गया, वहाँ पे बादल बना, फिर वो बारिश बन के बरस गया, फिर से ज़मीन पे आया, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है, ये चलता रहता है और इसी की वजह से ज़िंदगी भी चलती है, ठीक है। तो some of the major water sources of fresh water are glaciers, rivers, springs, ponds and lakes. तो कुछ जो हमें जो fresh water मिलता है, जो पानी, जो ताज़ा पानी जिसको बोलते हैं, वो जो हमें मिलता है, जो हमारे पीने लायक होता है, वो कहाँ से आता है, ग्लेशियर से, रिवर्स यानी दरिया से, स्प्रिंग्स हो गए चश्मे, पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक्स, ये सब जगहों से हमें मिलते हैं, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सेलाइन, दैट इज सॉल्टी, एंड ओनली 3% इज फ्रेश पोटेबल। तो जो हमारे पास जो अर्थ में जो पानी जो है, उसमें जो 97% जो पानी है, ठीक है, वो क्या है, सेलाइन है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, ठीक है। और उसमें से जो है बाकी जो 3% है, जितना बचा है 3% है, वो क्या है, सिर्फ फ्रेश वाटर है, कि उतना ही पीने लायक पानी है। ओशन वाटर्स मूव कॉन्टिन्यूसली अनलाइक द स्टैग्नेंट वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स। जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, ये हमेशा मूवमेंट करते रहता है, कि ये ऐसा नहीं है कि एक जगह खड़े रहता है। आप भी आप देखते हो कि जो
जब कभी समुंदर की आप तस्वीर देखते हो या वीडियो देखते हो या कभी समुंदर पे गए होंगे, तो वहाँ पे पानी हमेशा शोर कर रहा होता है, जो समुंदर का पानी होता है वो, क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट हो रही होती है। जैसे कि तालाब में क्या होता है, तालाब में पानी पड़ा है, जब तक आप पत्थर नहीं मारोगे या कुछ नहीं उसमें फेंकोगे तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब जो है ओशन वाटर्स की मूवमेंट जो होती है कॉन्टिन्यूस होती है, एंड दिस इज़ नोन एज ओशन सर्कुलेशन। और इसको क्या बोलते हैं? ओशन सर्कुलेशन। ओशन जो समुद्र का पानी है वो, उसको मूवमेंट जो बोलते हैं, सर्कुलेशन क्या हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सम ऑफ द मेजर ओशन मूवमेंट्स आर वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। जो इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं, जो जिन मेजर, जिनकी वजह से होता है जो, वो क्या है? वेव्स। वेव्स यानी लहरें, टाइड्स यानी जवार, और करंट्स यानी धाराएं, जो धाराएं बहती हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक मैप है, 97 मान लो, ये जो अर्थ, ये अर्थ पे जो पानी है ये टोटल मिला के 100% है, तो 97.2% किन के पास है? ओशंस के पास पानी है। बाकी जो 2.77% है ये कहाँ पे है? आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर, यानी जो बर्फ़ में ढकी हुई हैं, बर्फ से ढकी हुई जो है पहाड़ या बर्फ के फॉर्म में है वो है, और ग्राउंड वाटर या ज़मीन के नीचे जो पानी है, तो इतना ही पानी। और जो फ्रेश वाटर है जैसे लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में, तो वहाँ पे जो पानी है वो सिर्फ 0.003% है, इतना ही पानी हमें मिल सकता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनमें फ़र्क क्या है, वेव्स में क्या फ़र्क है, टाइड्स में क्या फ़र्क है, इन सब के बारे में, और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे पानी हमारे लिए कितना पानी बचा, तो वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।